माता पिता के साथ समय बिताने और घूमने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जाने क्या है योजना। आमतौर पर लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने के लिए ही छुट्टी लिया करते हैं, मगर अब अपने माता पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने की सोच रखने वालों के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन योजना ला रही है। अपने माता पिता को घुमाने और उन्हें साथ समय गुजारने के लिए अब विशेष छुट्टी देने का नियम है। असम की सरकार ने इस शानदार योजना की शुरुआत भी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की इस योजना से हजारों अभिभावकों के चेहरों पर खुशी की लहर है। असम सरकार ने लगातार दूसरे साल अपने कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है ताकि वे अपने माता पिता के साथ समय बिता सकें और उन्हें ही घुमाने ले जा सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा था कि कर्मचारी अगले साल 9 और 10 फरवरी को 2 दिन के विशेष अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि विशेष अवकाश को दूसरे शनिवार और रविवार के नियमित अवकाश में शामिल किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी 4 दिन की छुट्टी अपने माता पिता के साथ बिता सकेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विशेष अवकाश पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और इससे जुड़े नियम के विस्तृत ब्यौरे की जानकारी एक विशेष वेब पोर्टल के जरिए दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने 2021 में पदभार संभालने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में राज्य कर्मचारियों के लिए इस पहल की घोषणा की थी ताकि वे अपने माता पिता या सास ससुर के साथ समय बिता सकें। इससे पहले इस तरह की छुट्टियां इस साल 6-7 फरवरी को दी गई थी। असम के अलावा फिलहाल किसी भी अन्य राज्य में माता पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने टहलाने के लिए विशेष छुट्टी का प्रावधान नहीं है। असम अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को इस सुविधा दे रहा है। इससे राज्य में एक नए बदलाव की बयार महसूस की जाने वाली है। क्या आप भी अपने माता पिता के साथ समय बताते हैं और आपको समय नहीं मिलता है? आपको भी इस तरह की छुट्टी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए द भारत टुडे न्यूज के साथ।